बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है किसान आंदोलन को लेकर, जिसपे किसान संगठन अपना पक्ष रखने जा रहे हैं, उसी को लेकर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक। सीधे रुख करते हैं, जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, बैठक में क्या तय किया जा रहा है? देखिए, आठ किसान संगठनों को इस मामले में पार्टी बनाया गया है। किसान संगठन जो है वो मिलकर के यही तय कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई जब होगी इसमें क्या रणनीति हो। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसान संगठनों का वकील जो है वो कौन होगा। और तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद हमें तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कि किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, किस तरह की दलील किसान संगठन जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं। लेकिन शायद आप क्लैरिटी दीजिए इस पर, आठ किसान संगठन है ना शायद जिनको पक्षकार बनाया गया था? बिल्कुल रोमाना, आठ किसान संगठन है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। लेकिन जो आंदोलन आंदोलनकारी किसान संगठनों की संख्या जो है वो 30 से ज्यादा है। ऐसे में तमाम किसान संगठन जो है वो एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे हैं कि जिन लोगों को पक्षकार बनाया गया है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोर्ट में कौन वकील करेगा। और आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, किसानों को अपना पक्ष रखना है, उसी को लेकर ये बैठक चल रही है। ABP News आपको रखे आगे।